पंजाब के फगवाड़ा के नज़दीक बाईपास के नज़दीक पलाही रोड पर नगर निगम व सीवरेज बोर्ड द्वारा फगवाड़ा द्वारा बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन स्थानीय विधायक सोम प्रकाश कैंत के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 2.5 एकड़ जमीन पर यह ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिसको तैयार होने में 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। शहर की सुंदरता व स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए सीवरेज प्रणाली को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं और शहर को और भी सुंदर और स्वच्छ बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कैंथ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत व स्वच्छ प्रशासन देने का संकल्प लिया है, उसी मुहिम की कड़ी बनकर हम सभी प्रदेशवासियों को आगे आना चाहिए। अज फगवाड़ा विखे एक नवे ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। पहला जो प्लांट से कष्टकर से इस करके 2.5 एकड़ लैंड लैके एक इंटरसैप्टर सीवर एक 85 किलोमीटर पाया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुरुआत की गई है। ये टोटल कॉस्ट 15 करोड़ रुपई है। ये शहर के जोड़ा भी पानी आ रहा वो पूरी तरह ट्रीट करके अभी अगर डिस्टर्ब कर सकेंगे और हले भी कपैसिटी यदि अनयूटिलाइज है वो भी जो नवा वो पा के साथ सारा ठीक कर सकते। इस तरह सारा साफ सुथरा पानी अगे तो जाएगा जितने भी जाएगा। मेरे वालों शहर वास बधाई और बहुत वाइया काम सीवरेज बोर्ड अगर इंजीनियर ने किया, इन्होंने भी बहुत बधाई। ये कंपनी जी करती है उन्होंने भी बधाई। बहुत मुड़ के